चाय की हर घूंट मेरी जान तुम्हारी याद दिलाती है, चाय की हर घूंट मेरी जान तुम्हारी याद दिलाती है, क्योंकि लबों को चूमने प्याली जो पास आती है, अब यूं रश्क ना करना कि क्यों इजाजत दी हमने, अब यूं रश्क ना करना कि क्यों इजाजत दी हमने, क्योंकि इसके होने से तुम्हारी तलब थोड़ी कम सी हो जाती है। जी हाँ, इस वक्त मैं यही सोच रही हूँ कि खुद को बेहतर तरीके से आपसे रूबरू करवाऊँ, तो बस ये कह सकती हूँ कि मेरी आंखें शब्दों का जाल है और मैं एक अधूरी नज्म हूँ। लिखती हूँ, लिखना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हालात कैसे भी हो, जब आप लिखते हो ये आपको सुकून ही पहुँचाता है। और मैं आपको आज जो भी सुनाऊंगी वो मुझे बेहद अजीज है, क्योंकि ये तुमसे जुड़ा है। सुनिएगा मेरी अगली पेशकश। तुम आ जाओ एक बार तो हमें सुकून पहुँचे, तुम आ जाओ एक बार तो हमें सुकून पहुँचे, बहुत दिनों से किसी को करीब पाया नहीं है, शायद शायद याद ना हो तुम्हें रास्ता इस गली का, शायद याद ना हो तुम्हें रास्ता इस गली का, मगर सुनो ठहरो, तुम क्या गए हमने किसी को भी आजमाया नहीं है, तुम्हारे आने का सबब क्यों है क्या बताएं, तुम्हारे आने का सबब क्यों है क्या बताएं, झूठ फरेब इन लफ्जों को अभी तक किसी ने सुलझाया जो नहीं है। इस तुम की बड़ी अहमियत है ज़िंदगी में, खास करके जब ये मोहब्बत के रंगों से मिलता है तो कुछ इस तरह। अगली पेशकश। बात रंगों की है तुमने, बात रंगों की है तुमने, तो सुन लो मेरी बात, है रूहानियत तभी इनमें जब तुम हो मेरे साथ, बात रंगों की है तुमने तो सुन लो मेरी बात, है रूहानियत तभी इनमें जब तुम हो मेरे साथ, यूं तो ये रंग होंगे तब भी जब तुम ना होगे मेरे पास, मगर इनसे इश्क कर पाऊँ कहाँ फिर मुनासिब होगा मेरे यार, कहाँ फिर मुनासिब होगा मेरे यार। ये किस्से बड़े ही दिलचस्प हैं, दिलकश हैं, लेकिन नाराज़गी भी होती है कभी कभी, तो इनकी इसकी नाराज़गी को दूर करते हुए सुनाना चाहूँगी। रहने दो ना हिसाब किताब, रहने दो ना हिसाब किताब, क्या तेरा क्या मेरा, रहने दो ना हिसाब किताब, क्या तेरा क्या मेरा, बस एक आरजू है पूरी कर दो, बस एक आरजू है पूरी कर दो, ये जो रखा है कोने में लाल सरंग, ये जो रखा है कोने में लाल सरंग, इसको लो और मेरे माथे पर मल दो, इसको लो और मेरे माथे पर मल दो। बस यही बात है, कुछ एक अल्फाज, थोड़े जज्बात, और कुछ हम इन सब ने मिलकर मोहब्बत की है इस तुमसे। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आखिरी पेशकश है आपके लिए, एक आखिरी पैगाम इस शाम को पेश नज़र करते हुए। तुम हो शायद इसका शीर्षक है, और ये इसको मुकम्मल करती हैं यादें। देख कर कमीज पर जबी धूल ये पाया, तुम नहीं हो शायद, फिर यादों के एक मीठे से झोंके ने बताया, तुम यही हो शायद, देखकर बिस्तर संभला हुआ याद आया, तुम नहीं हो शायद, फिर तुम्हारे स्पर्श की अनुभूति ने समझाया, तुम यही हो शायद, देखकर मेज पर एक ही तश्तरी याद आया, तुम नहीं हो शायद, फिर तुम्हारी हंसी की आवाज़ ने बताया, तुम यही हो शायद, याद है मुझको वो तुम्हारे बहाने बनाना, मेरे सुलझे बालों को ही सुलझाना, याद है मुझको वो तुम्हारे बहाने बनाना, मेरे सुलझे बालों को ही सुलझाना, आज ये वाकई में उलझे हैं और तुम रूठे बैठे हो, आज ये वाकई में उलझे हैं और तुम रूठे बैठे हो, सारे आश्रय खत्म हो रहे हैं तुम्हें मनाने को, अपने आंसुओं को देखकर लगता है, अपने आंसुओं को देखकर लगता है तुम नहीं हो शायद, वरना इन्हें कोई बहाना ना मैसर होता बाहर आने को, फिर हंसी खिलती है होठों पर ये सोचकर, फिर हंसी खिलती है होठों पर ये सोचकर कि तुम बुरा मान जाओगे, मेरी सोच ने ही तो है समझाया कि तुम यही हो शायद,
याद आती है तुम्हारी बात, याद आती है तुम्हारी बात कि ज़िंदगी जीने का बहाना दे जाती है, तुम्हारी नन्ही सी आँखों से भी यही बात समझ आती है। तुम्हारी आँखें उदास रहती थी फिर भी तुम मुस्कुराते थे, तुम्हारी आँखें उदास रहती थी फिर भी तुम मुस्कुराते थे, ये काबिलियत कैसे आती है हम ना समझ पाते थे। शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया तुम्हारा, तुमने हमें ये बतलाया, इसी बहाने हमें जीने का सलीका आया, इसी बहाने हमें जीने का सलीका आया। जी हाँ, बातें तो और भी हैं, मतलब क्या कहूँ, तो और भी बातें हैं, तुम्हारी धड़कनें बढ़ ना जाएं इसीलिए हम जाते हैं, बस इतना ही। अब इजाज़त लेना चाहूँगी और जाने से पहले बस ये कहना चाहूँगी कि बाकी सारी पहचान बेमानी है, बस इतना याद रखिएगा कि लफ्ज़ों से गहरी दोस्ती हमारी। थैंक यू सो मच।